हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर में ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड की कमी के कारण हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। साथ ही दोस्तों, खून की कमी की वजह से बॉडी में ढेर सारी बीमारियों का घर बन जाता है और यह समस्या पुरुषों से अधिक महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देती है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी शरीर में तेजी से खून बढ़ाने के लिए बहुत ही असरदार घरेलू इलाज के बारे में। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और पिंक ग्लो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस लाल बटन को प्रेस करके, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आजकल खून की कमी एक आम समस्या है। शरीर में खून की कमी का मुख्य कारण आपके भोजन में पोषक तत्वों की कमी का होना, शराब, धूम्रपान, पेट में गैस, इन सभी वजहों से शरीर में खून बनने की मात्रा कम हो जाती है। अगर आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, आलस या थकान महसूस करते हैं, शरीर में कमजोरी रहती है या फिर आपको चक्कर आता है, तो फिर समझ जाइए कि आपके शरीर में खून की कमी है। ऐसे में दोस्तों, आपके शरीर में उचित मात्रा में ब्लड का होना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने भोजन में वैसे चीज़ों को शामिल करें जो आयरन, विटामिन्स, पोषक तत्वों से भरपूर हो। शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए पालक बहुत ही उपयोगी है। पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, फाइबर और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए पालक का सेवन अवश्य करें। चाहें तो पालक जूस भी ले सकते हैं। शरीर में खून बढ़ाने के लिए टमाटर काफ़ी फायदेमंद है। आप रोज़ाना एक गिलास टमाटर का जूस ले सकते हैं। टमाटर के सेवन से खून की कमी जल्दी पूरा करेगा और आपके चेहरे पर चमक भी आ जाएगी। दोस्तों, शरीर में खून बढ़ाने के लिए सेब और चुकंदर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एक गिलास सेब का जूस निकाल लें, फिर उसमें एक कप चुकंदर का रस और दो चम्मच शहद को अच्छी तरीके से मिलाकर इसे रोज पिएं। इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे शरीर में तेजी से ब्लड बनने लगता है। शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ाने के लिए रोज़ाना मूंगफली के दाने को गुड़ के साथ चबा चबा कर खाने से शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है। अनार हमारे शरीर में खून की कमी को बहुत जल्दी पूरा करता है, इसलिए आपको अनार का अवश्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों, भोजन में हरी साग सब्जियां, पालक, सरसों, भतुआ, मटर, मेथी, हरा धनिया, पुदीना, इन्हें जरूर शामिल करें। एक मुट्ठी किशमिश पानी में भिंगोकर खाएं। साथ ही गाजर, खजूर, पपीता, अंगूर खाने से शरीर में खून तेजी से बनने लगता है। साथ ही दोस्तों, नींद पूरी लें, बिल्कुल तनाव मुक्त रहें। नमक और शक्कर का उपयोग कम मात्रा में करें। ज़्यादा मसालेदार ऑयली फूड से परहेज रखें। और जिनको पथरी की शिकायत है या फिर पेट में स्टोन है, वैसे लोग पालक और टमाटर का सेवन ना करें। इसके जगह बाकी के फ्रूट्स भरपूर मात्रा में खाएं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में भी खून की कमी है तो इन्हें बिल्कुल भी अनदेखा ना करें, क्योंकि इसके वजह से आपके शरीर में और भी कई रोग हो सकते हैं। इसलिए खुद का केयर कीजिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।